अक्टूबर 2020 को बहुजन क्रांति मोर्चा द्वारा घोषित आंदोलन के प्रथम चरण के तहत मूल निवासी बहुजन समाज की बेटी मनीषा हाथरस के हत्यारों को कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए धरना प्रदर्शन ज्ञापन का कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें लगभग 20 संगठनों ने प्रतिभाग किया। प्रयागराज न्यूज के लिए मिर्जापुर से देव प्रसाद की खास रिपोर्ट। सर, आपका शुभ नाम क्या है? मैं इंजीनियर हरिशंकर बोल रहा हूँ और बहुजन मुक्ति पार्टी का मैं मंडल अध्यक्ष हूँ। जी सर। और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का मैं संयोजक हूँ, जिला मिर्जापुर का जिला संयोजक हूँ। तो सर, ये आप लोगों ने जो कार्यक्रम किया है, ये कार्यक्रम किसके लिए किया, आपने क्या मांग रखी है सरकार से? यह कार्यक्रम हमारे संगठन ने इस देश के अंदर हो रहे अन्याय, अत्याचार और महिलाओं के उत्पीड़न, बलात्कार के खिलाफ है, उसको रोकने के लिए। और जो मनीषा है और बलरामपुर में जो घटना हुई है, आजमगढ़ में जो बलात्कार की घटना हुई है, और जो हमारे वामसेव संगठन के जो बड़े का प्रभारी रहे हैं गुजरात के, देव भाई माहेश्वरी जी के जो दिन दहाड़े हत्या हुई है, ये सारे उत्पीड़नों को रोकने के लिए और न्याय के लिए इस देश में न्यायिक व्यवस्था कायम करी जाए, संवैधानिक व्यवस्था कायम करी जाए, उसके लिए हमारे संगठन सभी लोग मिलके हम लोग आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा सर, ये यदि गैंगरेप के लिए न्याय सरकार नहीं देती है तो इसके लिए आपका क्या कदम होगा, क्या करेंगे आप लोग? देखिए, संगठन हमारे पूरे देश के अंदर हम कई चरणों में इस कार्यक्रम को बनाए हुए हैं। 8 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन और फिर 15 को रैली वगैरह और फिर आगे जो है 30 अक्टूबर को जेल भरो आंदोलन इत्यादि ऐसे कार्यक्रम बनाए हुए हैं। और ये इस देश में संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत लोकतंत्र लागू है, हमें न्याय मिलना ही मिलना चाहिए, इसके लिए हम अंतिम तक हम लोग लड़ेंगे। अच्छा सर, करेंगे। लास्ट प्रश्न है सर आपसे, जैसे आप महिला के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं जी, तो आपके साथ एक भी महिला नहीं है, तो महिलाएं इसका कारण क्या? अभी नहीं है, महिलाएं हमारे धरना प्रदर्शन में बैठी हुई थी। अच्छा। और मौसम खराब होने के कारण, चूँकि वो अपने बच्चों को छोड़ के आई थी, अच्छा, इसलिए वो जो है वापस हो गई हैं। लेकिन महिलाएं हमारे हर एक कार्यक्रम में रहती हैं, महिलाओं का सहभाग है, हमारे पास राष्ट्रीय महिला मूल निवासी संघ है, एक अलग से है, जो महिलाएं उसका संयोजन कर रही हैं, नेतृत्व कर रही हैं और अपने उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ भी उठा रही हैं, न्याय की मांग भी कर रही हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू। जी सर, आपका क्या शुभ नाम है? आर के राव। तो सर, मुक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष। अच्छा अच्छा सर। हाँ, हम लोग बहुजन क्रांति मोर्चा के सहयोग से आए हुए हैं। अच्छा सर। और मैं बहुजन क्रांति मोर्चा को यह सपोर्ट करता हूँ कि जो आप कदम उठा रहे हैं, मनीषा वाल्मीकि का जो हत्या किया गया जी जी चार ठाकुरों के माध्यम से सर जी हुआ जी। तो मैं सरकार से यह कहना चाहता हूँ कि भारत में भारतीय संविधान भी लागू है, उस संविधान के तहत लाश को प्रशासन को नहीं जलाना चाहिए, उसके घर वालों को देना चाहिए जी। और अगर सरकार में उन ठाकुरों को, ही चार ठाकुरों को अगर फांसी की सज़ा नहीं देती है, तो हम भारत मुक्ति मोर्चा के लोग बहुजन क्रांति मोर्चा का सहयोग करके 22 तारीख को, 22 अक्टूबर 2020 को भारत को बंद करेंगे। तो सर, एक सवाल आपसे ये है कि जो आपकी संख्या है, इससे तो मुझे नहीं लगता कि आप जिला बंद कर सकते हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, अभी तो अंगड़ाई है जी जी, आगे बहुत लड़ाई है, आगे सरकार अभी नहीं जानती है कि हमारे सभी लोग जान रहे हैं, सिर्फ बोलने की देर है। अच्छा, तो इसका मतलब कि आगे आप भारी संख्या में आएंगे? आगे लगभग हम आप 1,00,000 की संख्या में मिर्जापुर को बंद कर सकते हैं, इतनी ताकत है हमारे पास। अच्छा अच्छा सर, तो यदि सरकार आपके आंदोलन के बाद भी यदि न्याय नहीं देता है, तो फिर आपका लास्ट कदम क्या होगा? मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि संविधान में जो हमारा मौलिक अधिकार है उस पर सरकार नहीं मानेगी, उस हमारी बातों को नहीं मानेगी, तो आगे चल के बुद्ध के बाद युद्ध की बात आती है, तो मैं भारत सरकार को उस बातों पर भी निर्णय लेने के लिए सक्षम हूँ, क्योंकि मैं 85% हूँ, वह 15% हैं, यह हमको पता है, 85 ज़्यादा होता है और 15 कम होता है, हमको पता है, यह मैं सरकार से कह देना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा सर, तो सर आप भारत मुक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष? मुक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष। अच्छा, बहुजन मुक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष जी।
तो सर इससे आप ये जो आंदोलन चल रहा है न्याय मांगने के लिए गैंगरेप का, इसको समर्थन कर रहे हैं? जी सर। तो आप आपकी पार्टी इस पूरे मिर्जापुर जिला में? पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी है। जी जी। पूरे भारत में जी हमारी जो पार्टी है लड़ेगी, पूरे भारत में लड़ेगी। अच्छा। और संविधान के मौलिक अधिकारों पर लड़ेगी और संविधान के हर एक मूल्यांकनों पर विचार करके काम करेगी। सर महिलाओं अलग एक प्रश्न है सर, महिलाओं के लिए आप जो आंदोलन चला रहे हैं महिलाओं के गैंगरेप के लिए, तो इसमें महिलाओं के दिखाई नहीं दे रही है, इसका क्या कारण है? साथियों, अभी महिलाएं हमारी बहुत संख्या में थी, चूँकि काफ़ी देर से हम लोग बैठे हुए हैं। अच्छा सर। तो लोग इधर उधर चली गई हैं। जी, जी। अभी लोग आ जाएंगे। अच्छा। महिलाओं की बड़ी संख्या थी और लोगों को बनाइए। अच्छा सर, ठीक। और आने वाले समय में चूँकि पुरुष जितने हैं उतनी महिला हैं, आने वाले समय उतनी महिला भी हमारे बीच में रहेंगी, यह मैं आपसे बता दें। ठीक है सर, धन्यवाद।